जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक शिक्षक हैं तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये आ जाता है आपके दिमाग में कि यार बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपनी क्लास में और अपने स्कूल में सबको बड़े पसंद होते हैं, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो एक इफेक्टिव टीचर में होती ही होती हैं और वो सबके प्रिय बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में क्वालिटीज ऑफ ए इफेक्टिव टीचर अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली क्वालिटी यही है कि आपका जो टीचर है ना, उसका पढ़ाने का तरीका इतना लाजमी होना चाहिए कि स्टूडेंट उसे ध्यान से सुने, वो इतना बोरिंग और उन रूढ़िवादी तरीकों से ना हो कि उस रटत में विद्या पे टीचर बोले जा रहा है जोल और बालक बेचारे सुने जा रहे हैं। ये वाली स्ट्रेटेजीज आपको चेंज करनी होगी अगर आपको इफेक्टिव टीचर बनना है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव टीचर जो होता है वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन आई हो, चाहे न्यू टीचिंग स्ट्रेटेजीज आई हो, सबको सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी की जो इफेक्टिव टीचर होता है ना, उसकी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत बेहतरीन होती है। वो अपनी क्लास को बहुत अच्छे से डील करके चलता है। ऐसा नहीं है कि उसकी क्लास में शोर नहीं होता, बट उसकी क्लास में उसके और स्टूडेंट के बीच में बहुत ही हेल्दी माहौल रहता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर टीचर अपने स्टूडेंट्स को पूरा मौका देता है अपनी क्वेरीज को एक्सप्रेस करने का, उनके डाउट्स को सॉल्व करने का, इवन एक्चुअल लाइफ में भी अगर उनके कुछ प्रॉब्लम है तो उनको सुनता है, उनको समझता है और उनका नेता दिलाने में अपने स्टूडेंट्स की मदद करता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, खाली क्लास तक जो है अगर आप अच्छे हैं तो उससे माहौल नहीं बनेगा। जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं, वहां पर भी आपका नेचर, आपका जो दूसरों के साथ कॉपरेट करने का बिहेवियर है, आपको अच्छा टीचर, इफेक्टिव टीचर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो नेचर है वो बहुत कॉपरेटिव और दूसरों के साथ सोशल होना चाहिए, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज भी आपके स्टूडेंट आपसे सीखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो में दिए गए सुझाव आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और ढेर सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।